डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। इधर बीच आपने संख्याओं पर आधारित प्रश्न देखा होगा और आपके पास तीन वीडियो पहुंच गया होगा। तीनों वीडियो में ढेर सारे क्वेश्चन थे, लगभग 83 क्वेश्चन, और एक एक करके आपने सारे क्वेश्चन देख लिए। अब आगे एक नया चैप्टर आपके सामने है, वर्गमूल घनमूल। अब इस चैप्टर पर सारे सवाल करवाऊँगा। आप तो जान ही रहे हैं कि जब अब शुरू हो गया है तो सारे खत्म होंगे, पूरी मोटी सी बुक खत्म होनी है, और अगर आप अभ्यास कर सके तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अभ्यास करने से पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होता है। आप में से जितने लोगों का बेसिक क्लियर है उनके लिए तो ये औषधि है, समझ लो औषधि है। लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट नहीं तैयार है उनको भी कोशिश करना चाहिए कि कहीं से कोई क्लास, अगर आप यहाँ तक हमारे तक पहुँच पाएँ तो अच्छी बात, नहीं जहाँ भी पहुँच पाए वहीं पर एक बेसिक क्लास कर लीजिए। उससे क्या होगा कि मैथ के मौलिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और तब आपको अभ्यास करना बहुत आसान हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं यहाँ से। देखो एक सवाल दिखा हुआ है, अंडर रूट 625 और प्लस अंडर रूट 484 का मान क्या होगा? जरा विचार करो भाई, अंडर रूट 625 की बात कर रहे हैं। अंडर रूट 625, 625 का वर्गमूल क्या होता है भैया? अंडर रूट 625 का वर्गमूल होता है 25। और बताओ अंडर रूट 484 का क्या होता है? इसकी होती है 22। अब इसी को जोड़ना था, बस 22 होता है भाई, देखो 22 होता है। अब इसी को जोड़ना है बस, 527 और 224, केवल 47। आपका पहला विकल्प सही है, केवल पहला विकल्प। हमने क्या किया, एक से लेकर एक स्वस्थ व्यक्ति को, मैं अक्सर क्लास में कहता हूँ, एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 30 तक का वर्ग याद होना चाहिए एकदम जबान पर। तो 625 का वर्गमूल 25 और इसका वर्गमूल 22, दोनों जोड़ दिया 47 उत्तर आ गया, पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा 1225 का वर्गमूल बताओ। 1225 चार अंकों की संख्या है, पेयर बना लो, बड़े आराम से आपका सवाल बन जाएगा। 12 और 25 ऐसे पेयर बनता है, और इसके लिए मैंने चार गिनतियों के लिए एक तुक्का विधि बता रखा है। तो देखो 3 × 3 = 9 और इसका इकाई अंक 5 है, तो 5 होगा। इसका वर्गमूल आएगा 35, कहाँ दिख रहा है भाई, नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, इसका वर्गमूल होना चाहिए 35। ठीक है, आगे बढ़ें, देखते चलिए कितनी आसानी से हो रहा है। अब की बार आ रहा है अंडर रूट 3364, इसका वर्गमूल क्या हो सकता है? फिर उसी तरह जोड़ा बढ़ाएंगे तो 5×25 6×36 ज़्यादा हो जाएगा, 5×25 आप देखो 5×30 से ज़्यादा है, 8×64, इसका उत्तर बन जाएगा 58। कहीं दिख रहा, ये रहा विकल्प आपका, 58 आपका उत्तर आएगा। अब ये जो जितनी आसानी से लगा रहा हूँ ना, इसके लिए आपको भाग भेदी करके लगाने में समय लगता है, तो ये बात तरीका बहुत शानदार है। आओ भाग भेदी करके दिखा दूँ, 3364 है तो आप इसको ऐसे भाग विधि करते हैं, 5×25 और जब आप यहाँ बचता 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और ये 64 उतर जाएगा और 5 यहाँ जोड़ करके 10 हो जाएगा, फिर 8 बार जाएंगे, 8×8 = 64 और 8×1 = 8। इतना मेहनत करना पड़ेगा जो कि टाइम आपका चला जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें बहुत आसानी से हो सकती हैं। देखो इसका उत्तर बन गया आपका 58। अगला प्रश्न है 64009, देखो 64009 वर्गमूल बताना, तो बताओ ये तो 5 अंक का हो गया तो इसको तो लगाना पड़ेगा, 64009 अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो कैसे निकाल सकते, क्योंकि 3 अंकों का आएगा। अब देखो भाग विधि लगा रहा हूँ, 2×2 = 4, अब यहाँ बचेगा 240, 2 अंक के साथ उतरता है 4, 6 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार जाएगा, 5×25 5×20 = 22, फिर घटाइए 5, यहाँ पर आया 1 और यहाँ 09 आ जाएगा। अब ये 5 यहाँ जोड़ करके 10 50 बन जाएगा, 3 बार जा रहा है, देखो 3×3 = 9 और 0×3 = 15। आप ध्यान से देखिए आपका उत्तर आ गया 253, कहीं दिख रहा है 253, आपका सी विकल्प सही है। तो ये भाग विधि से वर्गमूल लगाना आपको आना चाहिए, क्योंकि इससे हर तरह के सवाल बन जाते हैं। जब रूट 2 का मान ज्ञात करना होगा, रूट 5 का मान ज्ञात करना होगा, रूट 7 का मान, तब भी भाग विधि ही काम आता है। तो भाग विधि बहुत ज़बरदस्त तरीका है, इस पर अपनी पकड़ बना लो। यहाँ भी देखो वर्गमूल ही निकालना है, 89 49 16, देखो लिखा है 89 49 और 16 वर्गमूल बताना, आओ देखते हैं 89 49 और 16 का वर्गमूल निकालना है। हम क्या जाएंगे, 9×9 = 81, बताओ भाई क्या बचा, इतना बचा 9 यहाँ जुड़ करके 18 हुआ, 18×72 18×95 चार बार जा रहा तो 4×16 1, 18×72 = 73, घटाइए 3×1 = 1 और ये 16 उतर गया। अब ये 4 जुड़ करके 188 हो गया, बताओ 18×7 = 126, नहीं 18×95
18 छक्का 108, छः बार जा सकता है, यहाँ छः बार जाओ, देखो 6 × 36 3, 6 × 48 51 5, 6 × 48 और 5 53 5, 6 × 6 5 11, आपको उत्तर आ गया 946। कितना आ गया 946, कहीं दिख रहा है? ये रहा सी विकल्प। तो ये जो भाग विधि से वर्गमूल निकाला जा रहा है, कक्षा 6 या 7 की किताब में यह व्यवस्था है। तो अगर आपको यह बात समझ में आ रही तो यहाँ से देख सकते हैं, और नहीं तो क्लास 6 या 7 की छोटी किताब का भी देख लेंगे, तो उसमें भी एकदम क्रम से करके समझाया होगा, आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे। यहाँ देखो 92 16 और 125 और 44, इनका वर्गमूल ज्ञात करना और जोड़ देना। अब देखो 92 16 जो है ये तो 4 अंकों की संख्या, ये तो ऐसे निकल जाएगी, कितना आ जाएगा उत्तर भैया 9 × 9 = 81 9 आ जाएगा, और 90 से बड़ा है 6 × 36 96, इसका उत्तर आ गया 96। अब जरा इसका देखो, इसका है 125 00 125 और 44, इसको निकाल के देख लेते हैं। 125 44 को वर्गमूल निकालते हैं, ये देखो 1 × 1 = 1, ये आया 25, एक बार गया 21, अब ये 4 × 4 = 2 आ गया, देखो 222 × 444 यानी 112, इसकी वैल्यू आ गई 112। अब जोड़ने के लिए कहा गया, जोड़ लो 6 × 2 = 8 9 × 1 = 10 1 × 1 = 2, आपका उत्तर आया 208, डी विकल्प देखिए 208 आपका सही। इसका वर्गमूल आया 96, इसका वर्गमूल आया 122, दोनों जोड़ दिया 208 आपका उत्तर बन गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब यहाँ से देखो लगाने वाला सवाल आ गया, लिखा हुआ अंडर रूट एक्स माइनस 34 बराबर लिखा है अंडर रूट 484। आप जानते हैं अंडर रूट 484 का मतलब 22 होता है, और ये 34 अगर उधर जाएगा तो प्लस 34 हो जाएगा, और ये वैल्यू बचेगी यहाँ अंडर रूट एक्स। तो बताओ अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4 × 2 = 6 × 3 = 5 = 56 आ गया। अब हमको एक्स का मान बताना है, तो होल स्क्वायर बोथ द साइड, तो एक्स स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो 6 × 36 3, 5 × 31 2 = 7 3 = 6 5 × 5 = 25 6 = 31। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, वैदिक विधि से मैंने स्क्वायर किया है, और आपको याद रहना चाहिए, बहुत आसानी से हो सकता है, इसमें कठिनाई कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस सीखना पड़ता है। तो 56 का वर्ग हमने किया, आपका उत्तर आया 3136। अगला प्रश्न देखो, इसे हल करना है अंडर रूट 5 माइनस 2 होल स्क्वायर और बराबर होगा एक्स माइनस अंडर रूट 80। अच्छा बताओ, हम अंडर रूट 80 को क्या लिख सकते हैं, 16 × 5 = 80 यानी 4√5 लिख सकते हैं, ऐसे एक्स माइनस 4√5। और इसको अगर हम होल स्क्वायर करें तो क्या बनेगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर मतलब 5 प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 और माइनस 2ab यानी 2 माइनस करो तो माइनस 2 × 4√5 बस। अब बताओ ये 4√5, ये 4√5 कट गया, राइट साइड में केवल एक्स बचा और लेफ्ट साइड में खाली 9 बचा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 9, कहीं दिख रहा, देखो डी विकल्प सही है। जरा सोचो कितना सिंपल होता है, थोड़ा सा काम किया और उत्तर आपके सामने, यही है सवाल। तो बिना घबराए, बड़ी ईमानदारी से अगर आप आगे बढ़ते जाएँ तो ये सारे सवाल आपसे होते चले जाएँ। इस सवाल को लगाने के पहले हम आपको एक खास बात बता दें, जरा सोचो कि अगर हमको इसका उत्तर निकालना पड़े 7 + 2 √12 और कहा जाए इसका मान बताओ, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा। दो संख्याएं अपने मन में सोचो, अच्छा सोचो ये इसका अगर हमें वर्गमूल निकालना तो इसका मतलब ये कोई वर्ग संख्या है, अगर वर्ग संख्या है और बीच में प्लस लगा है, इसका मतलब कोई दो पदों की संख्या का वर्ग किया गया और दो पदों की संख्या के बीच में प्लस चिन्ह होगा, यानी ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर है। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है और 2 हमें दिख भी रहा, इसका मतलब बात सही भी है, आपको अंदाजा लगाने का तरीका बता रहा हूँ। अब आपको दो संख्याएँ सोचनी मन में, ऐसी सोचने जिनको जोड़ने पर 7 आता हो और गुणा करने पर 12, दो संख्याएं सोचो जिसको जोड़ने पर 7 आता हो गुणा करने पर 12, तो आपका उत्तर बन जाएगा 4 × 3 = 7 × 4 = 12 यानी अंडर रूट 4 और प्लस अंडर रूट 3, यानी इसका जो उत्तर आया है यही आया। इसका मतलब अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर यही संख्या बन जाएगी, आप होल स्क्वायर करके देख लो, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 × √4 × √3, आप जब हल करोगे तो यह बन जाएगा 7 + 2 √12। ये तो मैंने आपको करके इसलिए दिखाया कि मैं इसका इस्तेमाल यहाँ होना है, आओ देखते हैं तो कैसे होना है, ये होना है ऐसे, देखो हम संख्या पहले लिखते हैं अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 8 माइनस, ये जो 28 लिखा है ना इसको हम 4 × 7 = 28 समझ सकते हैं, 4 × 7 = 28 मतलब 2√7 बस। अब यहीं पर आपको सोचने की ज़रूरत, दो संख्याएं मन में सोचो
जिसको जोड़ने पर 8 आता हो, गुणा करने पर 7 आता हो। दो संख्याएं मन में सोचना है, जिसको जोड़ने पर 8 आता हो और गुणा करने पर 7 आता हो। 7 और 1 8 हो जाएगा और 7 × 1 = 7 हो जाएगा। इसका मतलब इस संख्या को हम लिख सकते हैं √7 − 1² और यहाँ क्या लिखा है √x − 1² अभी दोनों होल स्क्वायर कट जाएंगे, ये −1 − 1 कट जाएगा, √x = √7 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। बस यही इतना सवाल था, देखने में कैसा लग रहा था और हल करने में कैसा लग रहा है आपके सामने। अगला प्रश्न देखिए, ये लिखा है √84 + √x = 102। हम यहाँ √x रोकते हैं, अब बताओ इसका मान निकालो जरा, 9 × 81 और 92, बताओ इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 92 और ये 92 उधर जाएगा तो घट जाएगा, 102 − 92 कितना है भाई, 2 में से 2 गया 0, 10 में से 9 गया 10, √x = 10, x वैल्यू क्या आ गई 100। ये रहा, अब ये जो 92 मैं जल्दी से निकाल रहा हूँ यही चीज़ सीखना है, इससे बहुत फास्ट हो रहा कार्यक्रम। देखो मैं हल करके दिखा दूँ, 84 + 64 को जब आप वर्गमूल निकालते हैं तो क्या होता है 9 × 81, अब ये यहाँ पर ऐसे आ गया और 9 यहाँ जोड़ करके 18 हो गया। अब जरा देखो 2 लेकर जाओ तो 2 × 4 और 18 × 36, देखो पूरा कट गया, आपका उत्तर 92 आया। अब ये जो प्रक्रिया है, इतनी प्रक्रिया में अगर मान लो 10 सेकंड भी लगा होगा तो 10 सेकंड तो हमने बचा लिया ना। बस यही बात है कि जब आप सवाल पर काम करते हैं तो आपका समय भी बचता है और आप आसान कर देते हैं सवाल को। इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है √2500, देखो ऐसे लिखा और फिर प्लस √961 लिखा और बाद में क्या लिखा है √x² लिखा है, बस ये लिखा हुआ। तो जरा बताओ ये क्या दिख रहा, इसको उत्तर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 50 लिख सकते हैं और इसको 31 लिख सकते हैं, तो क्या बन गया √81 बन गया, √81 को हम 9 लिख सकते हैं, बताओ √81 को हम क्या लिख सकते हैं 9, और वहाँ क्या लिखा है √x², बताओ √x² अगर 9 है तो बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, क्या हो जाएगी x की वैल्यू 3 हो जाएगी, आपका बी विकल्प सही है। फिर से देखो ध्यान, हम इसको हल किए, इसका उत्तर 50, इसका उत्तर 31, अब इन दोनों को जोड़ेंगे 81 के बराबर 9, हमने लेफ्ट साइड सॉल्व कर दिया, राइट साइड में √x² था, √x² = 9, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी और ये बी विकल्प आपका सही जा रहा। अगले सवाल को देखिए, ये लिखा हुआ है √176 + √2401, जल्दी से बताओ 2401 का क्या वर्गमूल हो सकता है, 2401 का वर्गमूल सोचो, सोचो जल्दी से, ये हुआ 176 और प्लस इसका मान आ जाएगा 49, बताओ 25 वर्गमूल क्या नाम 50 का वर्गमूल क्या होता है 2500 और 2500 से कम है ये, इसका उत्तर बन गया 49। इसको जोड़ो 9 × 6 = 15 × 7 = 11 × 1 = 2 225, आपका उत्तर क्या आ गया 15, 225 वर्गमूल कितना होगा 15। मतलब आप खुद देखो कि किसी सवाल को लगाने में कितना समय लगता, वो समय सिर्फ इस बात के लिए लगता है कि आप कितना एकाग्र है, आपका दिमाग कितना फोकस में है, अगर फोकस में है तो आपका उत्तर जल्दी आ जाएगा। ये देखो बड़ा ज़बरदस्त सवाल दिख रहा, ये लिखा हुआ है 5 + √11 + √19 + √29 + √49, बस ये इतना है, ये सब यहाँ तक कर। इस सवाल को हल करते इधर से, कैसे हल करते देखो, 49 के वर्गमूल 7 होगा और 7 को 29 में जोड़ेंगे, तो 29 में 7 जोड़ेंगे 36 से जाएगा, 36 वर्गमूल 6 आ जाएगा, अब 6 को 19 में जोड़ेंगे, 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25 होगा, 25 वर्गमूल 5 होगा, 5 को हम 11 में जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा और 4 को हम 5 में जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। फिर से सोचो, इतना छोटा सवाल है, देखने में कितना बड़ा था, इतना छोटा सवाल है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 49 वर्गमूल 7 है, 7 को 29 में जोड़ोगे 36 होगा, 36 वर्गमूल 6 होगा, 6 19 में जोड़ोगे 25 होगा, 25 वर्गमूल 5 होगा, 5 11 में जोड़ोगे 16 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा, 4 5 में जोड़ोगे 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, आपका उत्तर 3 आ गया। आइए अगले सवाल में चलते हैं, यहाँ लिखा है √32 + √48 / √8 + √12, जरा बताओ ये क्या दिख रहा आपको 32, 16 × 32, बोलो 16 × 32 मतलब 4 √2, ये क्या है
16 3 48 यानी 4 3 ये क्या दिख रहा है आपको 8, 4 2 8 मतलब 2 2 2 और प्लस ये क्या दिख रहा 2 3। अच्छा बताओ क्या ऊपर हम 4 कामन ले सकते हैं, ये बन जाएगा √2 + √3 और नीचे क्या हम कामन ले सकते हैं 2 √2 + √3। ज़रा सोचो क्या ये दोनों कर सकता है। अब 4/2 है, 4 में 2 से भाग देने पर क्या उत्तर बनेगा 2। आपका आंसर बन गया पहला विकल्प। कैसा लगा ये सवाल देखिए, कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग जो है सब वीडियो देखने के बाद दो काम जरूर किया करिए, एक तो खुद उस पर पसंद करिए, एंजॉय करिए, कमेंट करिए। मान लो कोई चीज़ कम समझ में आए तो ये भी लिखिए, नहीं समझ में आया क्या समझे आप। मैं ये नहीं कह रहा कि कमेंट में आप हमको अच्छी अच्छी बातें लिखिए, नहीं भैया जो आपको समझ में आए वही लिखिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तब अपने दोस्त को भी भेज सकते हैं। बस यही दो काम करते जाओ, मैं पूरी बुक हल करवा दूंगा, इतना सोच लो आप। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। √24 लिखा हुआ, बोलो भैया √24 + √216 और नीचे लिखा हुआ √96। जरा बताओ √24 को हम क्या लिख सकते, 4 6 24 √6, और इसको क्या लिख सकते 6 6 36 6 6 216 यानी 6 √6, और नीचे क्या लिखा 16 6 96 4 √6। जरा बताओ दोनों √6 √6 है जोड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 8 √6 और नीचे क्या हो जाएगा 4 √6। अब बताओ दोनों कट जाएंगे 4 2 8, आपका उत्तर क्या बन गया 2। कहाँ दिख रहा, बी विकल्प सही है। इसी से सवाल शायद पूछे थे आप, हमें याद आता है। देखो कोई चीज़ जल्दी मैं भूलता नहीं हूँ, एक बार जब दिमाग में आया तो फिर आया, और मैं विद्यार्थियों से यही कहता हूँ कि आप पढ़ो तो जितना देर पढ़ो, देखो बेईमानी नहीं करो। देखो भैया जब तक आप छोटे थे तो आपके गार्जियन थे, अब उनको दिखाने के लिए कभी कभी कापी किताब उठा के बैठ जाते थे, पिताजी आ रहे, जैसे उनकी गाड़ी का आवाज़ आई तुरंत धर 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 कापी किताब खुल गई। लेकिन यार वो बचपना था, है ना, वो भी एक समय था, जो हुआ ठीक हुआ। अब कोई नहीं आ रहा है, आप अपने मन से सोचो कि आपको क्या करना है, तो आपको किसी से कुछ दिखाना नहीं है, बस आपको एग्ज़ाम पास करना है और कुछ नहीं करना। और देखा जाए ये लिखा हुआ 8/x और बराबर x/50। आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो बताओ x² = क्या हो जाएगा 5 8 40 400। अगर x² = 400 तो क्या हम x = 20 कह सकते हैं, और ये आपका आंसर कहाँ है भाई, बी विकल्प सही है। आइए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ लिखा 9² / x और बराबर है x/9, तिरछा गुणा करो, तो तिरछा गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा x² = 9 × 9 × 9। वाओ हाँ 729 आ गया। आप लोगों में से कई लोग सोच रहे हैं अरे यार तो क्यूब बन गया, नहीं मेरे भाई ये 729 और 27 का स्क्वायर भी होता है, ध्यान रखिएगा x² = 729 हो गया। अब हम x = 27 कह सकते हैं, ठीक है भैया। कहीं दिख रहा ये रहा जैसे 9 का क्यूब दिख रहा, लड़का सोचेगा घबराहट में अरे यार तो गलत हो गया सवाल, 9 का क्यूब था यहाँ तो क्यूब हो ही नहीं रहा, x³ होना चाहिए था, x² है। कन्फ्यूज होने के लिए तो बताऊँ, कन्फ्यूज होने के लिए बहुत छोटी सी बात जरूरी है, उसी में आदमी कन्फ्यूज हो जाता। अगला सवाल देखो x/49 = 16/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x² = 49 * 16 हो जाएगा। अब दोनों साइड जरा अंडर रूट कर लो भाई, यहाँ x बचेगा ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 28। कहीं दिख रहा x की वैल्यू 28, मतलब हलवा है एकदम से, हाँ लगाते जाओ लगाते जाओ। देखो भैया 121 लिखा हुआ है, 121/x = x/81, फिर वही कहानी x² = 121 * 81। अच्छा गुणा करने का प्रयास मत करिए, आप में से देखता हूँ कई लोग ऊपर नीचे करके गुणा करने लगे, ना करो भाई थक जाओगे, अपने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ये कंपटीशन है, कंपटीशन में आपको कोशिश करना चाहिए कि कम से कम काम करना पड़े। बताओ ये x आया, इसके बदले हम 11 और इसके बदले 9 लिख सकते हैं, क्या हमारा उत्तर 99 आ गया, और यही हमारा आंसर सही है। कहीं दिख रहा ये रहा विकल्प सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 256 और माइनस लिखा हुआ 144 * 144 और नीचे क्या लिखा हुआ 112। ध्यान से देखो 112 कहाँ से आया होगा, 156 - 144 करने पाया। अगर इसको हम ए समझ लें और इसको बी समझ लें, अलजेब्रा में लिखने की कोशिश करें, तो हम यहाँ लिख सकते हैं a² - b² और नीचे लिखा है a - b। अब बताओ क्या हम इससे फार्मूला नंबर 5, जी हाँ फार्मूला नंबर 5 की तरह खोल सकते हैं, a + b और ब्रैकेट में है a - b और नीचे क्या लिखा हुआ a - b, क्या ये दोनों कट जाएंगे
केवल ए प्लस बी बचेगा, और अगर ए प्लस बी बचेगा तो ए का मतलब 256, बी का मतलब 144, तो 256 प्लस 144 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 400। कहाँ गया भाई, बी विकल्प सही है। इतना आसानी से सवाल सोच सकते हैं आप, एक्चुअली गुणा नहीं करेंगे, एक्चुअली गुणा करेंगे थक जाएंगे। अगला सवाल देखो, ये लिखा हुआ अंडर रूट एक सही 9/16, एक सही 9/16 है भाई, 16 एकम 16 नौ 25, ये बन जाएगा 25/16। और आप जानते हैं 25/16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5/4, और 5/4 को आप लिख सकते हो एक सही 1/4, आपका बी विकल्प सही है। देखो एक सही 1/4। आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ, एकदम सेम क्वेश्चन है, लिखा हुआ 110 सही 1/4, तो 110 440 और प्लस 1 441, ये बन गया 441 और बटा 4। बताओ 441 वर्गमूल 21 और 4 का वर्गमूल 4 2, 121 बताओ 21/2 माने क्या होता, 10.5, कितना हो जाएगा भैया, सी विकल्प ध्यान से देखो, 21 में 2 से भाग दोगे आ जाएगा 10.5। फिर से देख लो, 441 वर्गमूल 21 और 4 का वर्गमूल 2, 21/2 करोगे 10.5 आएगा। आइए अगले सवाल, यहाँ लिखा हुआ अंडर रूट 288 और नीचे लिखा हुआ अंडर रूट 128। आप में से कई लोग सोच रहे यार ये तो वर्ग है ही नहीं, वर्गमूल हम निकालेंगे कहाँ से, तो क्या करें, इसको एक साथ कर दीजिए, अगर दोनों एक रूट में है तो दोनों एक साथ कर दीजिए, 288/128 इसको छोटा कर लीजिए, अच्छे से कट रहा है ये, किससे काट दें, अगर हम चाहें तो दो से ही काट दें, हालांकि कट तो रहा बहुत संख्या से, दो से काट देंगे तो तुरंत हमें वर्ग दिखने लगेगा। देखो ये रहा, देखो कितना आसानी से, अब 144 का वर्गमूल 12 होता है और 64 वर्गमूल 8 होता है, अब छोटा कर लीजिए, 4 3 12, 4 2 8, 3/2, और 3/2 आपका ये विकल्प सही है। तो बड़ी आसानी से आप इन सवालों को देख रहे हैं, आप लगाते रहिए हमारे साथ, मज़ा आता रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, अंडर रूट 256, अंडर रूट 256 बटा एक्स और गुणा अंडर रूट 625 बटा एक्स और बराबर 4 लिखा हुआ है। मेरे भाई 256 को आप 16 कह सकते हैं, 16/x और गुणा हो गया ये 25/x और बराबर लिख रहा 4। क्या आप जानते हैं गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा और 4 नीचे आएगा, या फिर कह लो 4 से आप 16 को काट भी सकते हो, तो एक्स स्क्वायर वहाँ चला जाएगा और 25 चौके 100 इधर रह जाएगा, तो आपके पास बन गया एक्स स्क्वायर बराबर 100, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। कहीं दिख रही है, सी विकल्प आपका सही है। आइए अगले सवाल पर बात करें, यहाँ देखो लिखा हुआ अंडर रूट एक्स बटा 169 और बराबर है 18/13। क्या करेंगे, होल स्क्वायर बोथ द साइड, अगर होल स्क्वायर कर देंगे तो इधर बनेगा एक्स बटा 169, रूट हट जाएगा और यह बन जाएगा 324/169। अब ये दोनों कट जाएंगे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 324, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई 324, खाली होल स्क्वायर कर दिया और कुछ नहीं करना पड़ा, 18 का स्क्वायर 324, 1 से लेकर 30 तक का वर्ग आपको एकदम जबान पर याद होना चाहिए। अगला सवाल देखो, अंडर रूट 1694/x बराबर और प्लस 14 बराबर लिखा हुआ है 25। अगर इस 14 को हम उधर लेकर जाएं तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, 1694/x बराबर, ये 14 उधर जाएगा तो घट जाएगा, बताओ 14 6 5 11 11 आ जाएगा। अब हम होल स्क्वायर कर रहे हैं, होल स्क्वायर बोथ द साइड, देखो 5 में से क्या 4 आ गया, अब होल स्क्वायर करोगे तो यह बन जाएगा 1694/x बराबर हो जाएगा कितना 121। अब क्या करेंगे, x उधर ले गए 121 इधर लाए, x बराबर हो जाएगा 1694/121। ध्यान से देखो 9 11 6 4 10 11 कट रहा है, 11 11 121, 11 5 11 5 55 11 44, फिर 11 से कट रहा है, 11 11 11 44, 14 उत्तर आ गए भाई, कहीं दिख रहा है, ये आपका सी विकल्प है। देखो कितनी आसानी से सब कुछ होता जा रहा है, बस थोड़ी सी रफ्तार इसलिए मेंटेन है कि आप लोग चाहिए कि इसी रफ्तार को पकड़ने का प्रयास करें। अगला प्रश्न देखिए, यक्स अपान 2880 और फिर लिखा है बराबर 180/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 2880×180। क्या करें, इसको ऐसा टुकड़ा कर दीजिए कि जिससे एक घनमूल बन जाए। अगर हम 144 की बात करें, देखिए अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है, अब इसको क्या लिख सकते, 144 दुना 288 होता है, हम इसको लिख सकते 144/20। अब बताओ इसको क्या कहते हैं, 9/20, बोलो 20 9 180, ऐसा मैंने फैक्टर क्यों किया, दरअसल गुणा करके वर्गमूल निकालना बहुत भारी पड़ेगा। अब क्या करिए, वर्गमूल निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर वर्गमूल एक्स, देखो इसका वर्गमूल 12, अब 20 20 कट करके यहाँ 20 आ गया, अरे भाई दो बार काहे लिख दिया 20,
अब यहाँ देखो 20 और उसके बाद में क्या है 9 का वर्गमूल 3, यही आपका उत्तर हो गया। 12 दूनी 24, 24 यहाँ 72, 720 आपका उत्तर आ गया। ये एक्स की वैल्यू आ गई 720, कहीं दिख रहा 750 दिख रहा, फिर से एक बार देख लो 12 दूनी 24, 24 यहाँ 72, 720 ही आगा भाई, इनमें से कोई नहीं, देखा आपने। तो आप जब ये सब करते हैं और गुणा करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, कोई आदमी गुणा नहीं कर सकता, उतना कम समय होता है, कौन गुणा करेगा। आइए देखते हैं इसको, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 961 बराबर लिखा है अंडर रूट 2025, बताओ ये तो रहेगा अंडर रूट एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी 31, बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर ये कितना है 45, एकदम ऐसे याद होना चाहिए आपको, बताओ अंडर रूट एक्स बराबर क्या होगा, 31 उधर जाएगा तो घट जाएगा, 5 में से घटाओगे 4, 4 में से जो 1, अब बताओ एक्स बराबर क्या हो जाएगा 196, 14 का स्क्वायर बनता है 196, कहाँ है भाई, क्या दिक्कत हो रही है, देखो 5 में से 1 घटाए 4, 4 में से 3 घटाए 1 और एक्स स्क्वायर 196, इनमें से कोई नहीं, जानते हैं ये इनमें से कोई नहीं, इसीलिए जब भी कभी बैंकिंग का एग्जाम होता है तो बैंकिंग के एग्जाम में ई विकल्प जरूर होता है और इनमें से कोई रहता है, जानते हो एकदम, देखो उसी किनारे किनारे जैसे 6 आया, 6 वाला देखो यहाँ पर दिख रहा, आपके दिमाग में कहीं यही तो नहीं उत्तर सही हो जाएगा, कन्फ्यूज कराने के लिए डाला जाता है, आप कन्फ्यूज नहीं रहेंगे। अगला सवाल देखिए, 2432 डिवाइडेड बाई एक्स बराबर होगा अंडर रूट 23104, अब देखो क्या करना, ये भाग हो रहा, अगर भाग हो रहा तो इसे लिख सकता हूँ 2432 बटा एक्स बराबर, इसका मान निकाल लेते हैं, आओ निकालते हैं, 23104 का वर्गमूल अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा 1111, अब यहाँ का आया 131, यहाँ आया 2, 6 12, 6 तो जाएंगे, 6 के साथ 3, 6 बाद में 6 नहीं जाएगा, 5 वाले जाओ तो 25 25 125, कितना आ गया भैया, 11 में से 6 गया 5, 5 गया 6 और यहाँ पर आ गया 04, 5 यहाँ जोड़ करके 30 आ गया, 30 दूना 60 2 आ गया 152, कितना गया 152। अब अगर ये x को हम उधर ले जाएं तो 152 इधर आ जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं x बराबर 2432 बटा 152, जरा जल्दी से काट लो, 4 से कट रहा 4 3 12, 4 3 12, 4 8 32 और 4 से काटो 4 6 24, 0 4 8 32, 19 से कटेगा क्या, 19 57, वेरी गुड, 19 57, 19 2 38, 19 2 38, 2 से काट दो 16, एक्स की वैल्यू क्या आ गई भैया 16 जी आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 16। ये काटने के लिए जब आप काटने जाओ तो गुणा भाग पहाड़ा पर इतना जोर लगाए रहो, भले से उसके बाद आराम कर लो लेकिन काम करोगे तो रफ्तार में ही करोगे, आदत बनाओ पहले। अब यहाँ देखो क्या लिखा, 125 यहाँ पर लिखा 12544 अपान 13689, अगर हम देखें तो ऊपर वाली संख्या का अभी शायद पहले या दूसरे सवाल में ये सब था तो इसकी वैल्यू आई थी 112, देखो आपको याद होना चाहिए 112, अब इसकी वैल्यू नहीं पता और निकाल के देख लेते, 13689 का वर्गमूल निकालो, ये बनेगा 1111, ये बन गया 36, 2 21 आ गया 21, यहाँ आ गया 5 और ये आ गया 89, अब यहाँ बना 22, बताओ 2 7 14, 7 7 49, 117 आ गया, 112 बटे 117 कहीं दिख रहा भाई, ये रहा आपका बी विकल्प। और जरा देखो जरा 112 127 112, मतलब ऐसा कन्फ्यूज कि आदमी गलती कर ही दे, तो बड़ी आसानी से आप सवाल देख रहे हैं, मस्ती करिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।